हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो हिस्ट्री का जो चैप्टर है फर्स्ट सॉरी हिस्ट्री का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट टॉपिक पे हम आ चुके थे बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि बहुत सारा प्रोडक्शन जो था वो फैक्ट्री के आने से पहले इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन द 17th एंड 18th सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगेन मूविंग टू द कंट्रीसाइड सप्लाइंग मनी टू पीजेंट एंड आर्टिशंस परस्यूइंग देम टू प्रोड्यूस फ्रॉम एन इंटरनेशनल मार्केट। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्विजिशंस ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द डिमांड फॉर गुड्स बिगेन ग्रोइंग। समझिएगा, इन द 17th एंड 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में मर्चेंट फ्रॉम द टाउन के जो मर्चेंट्स जो बिजनेसमैन थे, ये कहाँ की बात हो रही है, यूरोप की, बिगेन मूविंग टू द कंट्रीसाइड मीन विलेज एरिया में, रिमोट एरिया में। तो 17th और 18th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन थे टाउन के यूरोप में, वो मूव कर गए कंट्रीसाइड में सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स आर्टिशन। किस चीज़ के लिए, पीजेंट्स को और आर्टिशंस को मनी सप्लाई करने के लिए, परसीविंग देम टू प्रोड्यूस फ्रॉम देम फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। और उन्होंने बोला पीजेंट ऑडिशन को, उन्होंने मनी सप्लाई किया, परस्यू रेडी किया, एग्री किया कि वो क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें। विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड द एक्विजिशंस ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड द डिमांड फॉर गुड्स बिगेन ग्रोइंग। ठीक है, विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंशन से एंड द एक्विजिशंस ऑफ कॉलोनीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्विजिशंस ऑफ कॉलोनी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड द डिमांड फॉर गुड्स बिगेन ग्रोइंग। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंशन से एंड एक्विजिशन ऑफ कॉलोनी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जो कॉलोनीज को एक्यूज किया गया, कॉन्क्वर किया गया या जीतने के उद्देश्य से, द डिमांड फॉर गुड्स बिगेन ग्रोइंग, जो गुड्स की डिमांड थी वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई और गुड्स की डिमांड बढ़ी। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन। डिमांड बढ़ रही थी लेकिन मर्चेंट टाउन में अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए थे, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, दिस वाज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स, यानी कि जो अर्बन एरिया में जो क्राफ्टिंग यानी कि जो कारीगर लोग हैं, जो मैकेनिक लोग हैं, जो एक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कर रहे हैं, और जो ट्रेड गिल्ड्स यानी कि ट्रेड जो एसोसिएशंस हैं वर पावरफुल, वो काफ़ी पावरफुल थे। दीज वर एसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर दैट ट्रेंड क्राफ्ट पीपल। तो जो ट्रेड गिल्ड्स और जो अर्बन क्राफ्ट थे, ये क्या थे, ये एसोसिएशंस थे, ग्रुप थे, प्रोड्यूसर ग्रुप थे, वो प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेंड क्राफ्ट पीपल। जो क्राफ्ट पीपल यानी कि जो क्या कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कर रहे हैं उनको ट्रेंड करने का काम, मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम ये लोग करते थे, रेगुलेट कॉम्पिटिशन रेगुलेट रहे, ठीक है, मतलब दूसरे का कॉम्पिटिशन ना बढ़े, ठीक, यानी एक कॉम्पिटिशन को कंट्रोल करने का काम, प्राइस को कंट्रोल करने का काम, एंड रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। और हम ही लोग केवल इस ट्रेड को करते रहे, नया पर्सन ट्रेड में ना आने पाए, इसको कंट्रोल करने का काम ये ट्रेड गिल्ड्स करते थे। तो यानी कि इनको अब कोई दूसरे पर्सन अगर चाहता है प्रोडक्शन करना तो वो इस ट्रेड में टाउन एरिया में नहीं आ सकता है। ठीक है, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स, रूलर्स थे वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, उन्होंने भी डिफरेंट गिल्ड्स यानी डिफरेंट एसोसिएशन को प्रोवाइड द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जैसे ये बोल दिया कि इस एसोसिएशन को बोल दिया कि आप इस गुड्स को केवल आप प्रोड्यूस करोगे, इसके अलावा कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो उनको मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, केवल सिंगल राइट प्रोवाइड कर दिया केवल और केवल एक गिल्ड्स को या एक एसोसिएशन को, कुछ के साथ ऐसा भी था। तो इट वॉज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू पर्सन टू सेट अप बिजनेस इन टाउन। जब ऐसी सिचुएशन थी तो इस सिचुएशन में डिफिकल्ट हो गया न्यू मर्चेंट के लिए टू सेटअप बिजनेस इन टाउन में बिजनेस सेटअप करना। सो दे टर्न टू द कंट्री साइड, तो इसलिए वो कहाँ मूव किए, कंट्री साइड एरिया, विलेज एरिया में मूव करना स्टार्ट किए। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशन बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट। कंट्री साइड में, विलेज एरिया में पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशन बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट। विलेज एरिया में जो पुअर पीजेंट्स थे, जो पुअर आर्टिशंस थे, बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट, उन्होंने मर्चेंट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट किया। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, दिस वॉज अ टाइम वेन ओपन फील्ड्स वर डिसअपीयरिंग एंड कॉमन्स वर बीइंग इनक्लोज। ठीक है, कंट्री साइड में पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशन, जो पुअर पीजेंट और आर्टिशंस थे, बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स, उन्होंने मर्चेंट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट किया।
एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर हमने टेक्स्ट बुक में देखा, दिस वॉज अ टाइम, ठीक है, तो ये ऐसा टाइम था वैन ओपन फील्ड फॉर डिस्टेपरिंग एंड कॉमन्स फॉर बींग इनक्लोज, जब क्या हो चुका था, ओपन फील्ड ख़त्म हो चुकी थी और कॉमन, कॉमन यानी क्या होता है, वो एरिया जिसको हम सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन एरिया इनक्लोज कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। तो कंट्री साइड में जो पुअर पीजेंट और आर्टिसंस थे उन्होंने मर्चेंट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, वो ऐसा समय था जब क्या था, जब जो कॉमन फील्ड थी वो इनक्लोज कर दी गई थी और ओपन फील्ड डिसअपीयर हो गई थी, कोई ओपन फील्ड नहीं बची थी। तो कॉटेजर्स एंड पुअर पीजेंट हु हैड अर्लियर डिपेंड ऑन कॉमन लैंड, तो वो कॉटेजर्स, वो पुअर पीजेंट्स जो इस कॉमन लैंड पे ही डिपेंड थे अपने सर्वाइवल के लिए, अब कॉमन लैंड तो बची नहीं क्योंकि इनक्लोज हो गई, तो गैदरिंग देयर, वो कॉमन लैंड जिसके अपने सर्वाइवल के लिए, गैदरिंग देयर फायरवुड, फायरवुड गैदर करने के लिए, बेरीज, वेजिटेबल्स, हे एंड स्ट्रॉ, हैड टू नाउ लुक फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से ये सब चीज़ें कलेक्ट करते थे वो कलेक्ट होना बंद हो गया, तो अब उन्होंने इनकम के दूसरे सोर्स सर्च करना स्टार्ट कर दिया, दूसरे सोर्स इनकम पे देखना स्टार्ट कर दिया। मैनी हैड टाइनी प्लॉट्स ऑफ विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेम्बर्स ऑफ द हाउस होल्ड, मैनी हैड, बहुत सारे ये जो पुअर पीजेंट थे इनके पास टाइनी, छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स थे, विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेम्बर्स ऑफ द हाउस होल्ड, लेकिन इतने छोटे थे कि जो हाउस होल्ड फैमिली के सब मेम्बर्स हैं उनको उससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी नहीं हो सकता था, ठीक है, इतने छोटे प्लॉट्स थे। सो वैन मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर दैम, तो जब मर्चेंट्स आए, मर्चेंट्स जब टाउन विलेज एरिया में आए, रिमोट एरिया में आए, कंट्री साइड में आए, एंड केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांस, और उन लोगों को एडवांस ऑफर किया टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर दैम, कि उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, पीजेंट्स हाउस होल्ड एग्रली एग्री, तो बहुत मन से, ठीक है ना, खुशी पूर्वक उन्होंने उस चीज़ को एग्री कर लिया बाय वर्किंग फॉर मर्चेंट, तो अब जो विलेज एरिया में जो पूरे पीजेंट्स जो लोग जिन लोगों ने ये काम एक्सेप्ट किया, तो बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स, मर्चेंट के साथ काम करते करते दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट, तो क्या कर सकते थे, दे कुड रिमेन कंट्री साइड, कंट्री साइड इनके विलेज एरिया में रह सकते थे एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट द स्मॉल प्लॉट्स, जिनके स्मॉल प्लॉट्स हैं उसको भी कल्टिवेट कर सकते थे। तो इनकम फ्रॉम प्रोटीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंट देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन, इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रलाइजेशन, जो प्रोटो इंडस्ट्रलाइजेशन वाला टाइम था, ये प्रोडक्शन कब हो रहा है, इंडस्ट्रलाइजेशन से पहले वाले टाइम पे, प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंट यानी कि इंक्रीज देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन, कल्टिवेशन जो छोटी सी इनकम हो रही थी उस इनकम को इंक्रीज करने का काम किया, इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज, इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज, इट इसने इससे ये भी अलाउ हुआ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर, जो फैमिली लेबर रिसोर्स हैं उसका हम फुल यूज कर सके बिकॉज ऑफ दिस। विद इन दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड, इस सिस्टम की वजह से जब कि मर्चेंट्स वहाँ पे गए, उन्होंने उन्होंने क्या किया, बिजनेस प्रोवाइड किया, उनको काम प्रोवाइड किया, तो ये इस सिस्टम से क्लोज रिलेशनशिप बना किसके बीच में, जो टाउन और कंट्री साइड यानी कि सिटी या टाउन और विलेज एरिया के बीच में। मर्चेंट्स कहाँ के थे, मर्चेंट वर बेस्ड इन टाउन, मर्चेंट टाउन पे बेस्ड थे, बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड, लेकिन उनका जो काम था वो कहाँ पर हो रहा था, वर्क उनका कहाँ डन हो रहा था, कंट्री साइड में। अब मर्चेंट क्लॉथियर, मर्चेंट क्लॉथियर यानी कि जो क्लॉथ बिजनेसमैन है, क्लॉथ का काम करने वाला जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है इन इंग्लैंड, परचेज बूल फ्रॉम अ बूल स्टेपलर, तो वो क्या करता है, सबसे पहले बूल स्टेपलर से उसने बूल परचेज किया एंड कैरी इट टू स्पाइनस, स्पाइनस जो कि स्पाइनिंग करेगा, उसका यार्ड बनाएगा, उसका प्रॉपर बूल बनाएगा जिससे कि आगे का बोवेन का काम हो पाएगा, एंड कैरी इट टू द स्पाइनस द यार्न दैट वाज स्पन, इसका यार्न स्पन हुआ, इस यार्न स्पन होने के बाद वट टेकन सब्सिक्वेंट स्टेज, ठीक है, जो आगे और स्टेज हैं और प्रोडक्शन ऑफ टू द बीवर्स, बीवर्स के प्रोडक्शन के और स्टेज हैं उनमें ये चीज़ें कंप्लीट होती है, जैसे फुलर्स का काम एंड देन टू डाई, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बूलिन जो बूल स्टेप बूल स्टेपलर के पास से बूल परचेज किया जाएगा, इसके बाद उसको स्पाइनिंग के लिए यार्न बनेगा, इसके बाद उसका वीविंग होगा, वीविंग के बाद फुलर्स होगा, फिर इसके बाद डाई के लिए भेजा जाएगा, तो दी फिनिशिंग वार डन, ये सब काम हो गया, इसकी फिनिशिंग कहाँ पे होगी, फिनिशिंग वार डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड अ क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड करने से पहले उसका फिनिशिंग कहाँ पर होता था, लंदन में, ठीक है, क्लॉथ रेडी हो गया, फिर क्लॉथ का डिजाइन क्या होना, उसकी फिनिशिंग कहाँ पे, लंदन में, तो लंदन इनफैक्ट केम टू बी नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर, लंदन एक फिनिशिंग सेंटर के तौर पर बन गया जहाँ पे क्लॉथ का फिनिशिंग का काम होता था। तो दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज,
तो ये जो प्रोटेक्शनिस्ट सिस्टम था वाज द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंजेस, ठीक है, कॉमर्शियल एक्सचेंज का एक नेटवर्क बन गया। इट वाज कंट्रोल बाय मर्चेंट्स, ये मर्चेंट्स द्वारा कंट्रोल हो रहा था, एंड गुड्स वर प्रोड्यूस बाय ए वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म। तो इस प्रोटो इंडस्ट्री सिस्टम में काम कैसे हुआ, मतलब प्रोडक्शन जो फैक्ट्रियों से पहले जो इंडस्ट्रियल मार्केट के प्रोडक्शन में स्टार्ट हो गया वो कैसे हुआ था वो आपको समझ में आया। और ये जो कंट्रोल हो रहा था प्रोटो इंडस्ट्री के वर्क वो मर्चेंट्स कर रहे थे, एंड गुड्स वर प्रोड्यूस बाई अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रही थी वो कहाँ पर हो रही थी, वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करने वाले थे वो फैमिली फार्म्स, घरों की फैमिली यूनिट्स में काम कर रहे थे, नॉट इन फैक्ट्री, ना कि फैक्ट्री में। एट ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेप, स्टेपलिंग काम, स्पाइनिंग काम, बीबिंग का काम, फुलिंग का काम, डाइंग काम, तो हर एक स्टेज में क्या थे 20-25 वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है, हर एक स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले काम जो परचेजिंग वाले के बाद इसका स्पाइनिंग वाला काम होगा, ठीक है, स्पाइनिंग के बाद क्या होगा, स्पाइनिंग के बाद बीबिंग का काम होगा, फुलिंग का काम होगा, डाइंग का काम होगा, फिनिशिंग का काम होगा। तो ये जो जितने स्टेज हैं, ठीक है, हर एक स्टेज में 20-25 वर्कर्स काम कर रहे थे, ठीक है, हर एक स्टेज में, ठीक है। तो इस तरीके से तो ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20-25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट, हर एक मर्चेंट हर एक उसमें 20-25 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। दिस मीन दैट, इसका मतलब है कि ईच क्लॉदियर वर कंट्रोलिंग 100 ऑफ वर्कर, हर एक क्लॉदियर, हर एक मर्चेंट क्लॉदियर, हर एक बिजनेसमैन 20 से 25 मतलब टोटल 100 से और मोर देन 100 वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा था। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो गया। सेकंड जो 1.1 होगा हमारा द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री, कल हम उसको फिनिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आप उसको क्लियर करिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।